अब हम लोग क्लास सिक्स के संस्कृत के दूसरे पार्ट के आगे भाग करते हैं। इदं चंपक पुष्पम अस्ति। यह चंपा का फूल है। मल्लिका विकसति। मल्लिका का फूल खिलता है। इदं जपा पुष्पम अस्ति। यह उड़हुल का फूल है। अब फलों के बारे में अध्ययन करेंगे। फल, बच्चों हम लोग फल खाते हैं, फल बड़ा ही मीठा लगता है। आम, अभी आम का मौसम है। आम्रम मधुरम फलम भवति। आम मीठा फल होता है। आम खाते हैं ना, मीठा लगता है ना आम। अमृत फलम पक्वम अस्ति। अमरूद का फल पका है। अमरूद का फल पका है। पक्व मने पका, अस्ति मने है। लीचिका मधुरा कोमला च भवति। लीची मधुर और कोमल होता है। सेबम सोणम भवति। सेब लाल होता है। शरीरा अवयवाहा, शरीर के अवयव। ललाट, ललाट जिसको अंग्रेजी में फोरहेड कहते हैं, फोरहेड होता है ना, फोरहेड। तस्य ललाटम विशालम अस्ति। उसका ललाट विशाल है। तस्य माने उसका, तस्य माने उसका, ललाटम माने ललाट, विशालम माने विशाल, अस्ति माने है। नासिका तुंगा अस्ति। नाक लंबी है। नाक कैसी है, लंबी। तुंगा माने लंबी, नाक लंबी है। कर्णः सुंदरः अस्ति। कान सुंदर है। कर्ण मने कान, सुंदर मने सुंदर, अस्ति मने है, कान सुंदर है। नेत्रम आकर्षकम अस्ति। आंखें आकर्षक है। आंख कैसी है, कैसा है, आकर्षक है। नेत्रम आकर्षकम अस्ति। आंख आकर्षक है। रामस्य दंताः स्वस्थाः सन्ति। राम के दांत स्वस्थ हैं। राम के दांत कैसे हैं, स्वस्थ हैं। बच्चों दांत को स्वस्थ रखना जरूरी है ना, सुबह शाम इसलिए ब्रश करना बहुत जरूरी है ना। अयम अयम दीर्घः हस्तः अस्ति। अयम मतलब यह, दीर्घ मने लंबा, हस्त मने हाथ, अस्ति मने है, यह लंबा हाथ है, यह हाथ लंबा है। आइए कुछ शब्दों को देखते हैं हम लोग। ऐसा, ऐसा स्त्रीलिंग शब्द है। यह खटवा, खटवा मने खटिया स्त्रीलिंग शब्द है। कम्बलम,
कम्बलम मने कम्बल, उष्णम मने गर्म, भावति मने होता है होती है, घटा मने घड़ा, पूर्णा मने पूरा भरा हुआ, अस्ति मने है, पर्यंका मने पलंग, विस्तृतः फैला हुआ, अयम यह, दर्पणः ऐनक।